सुप्रभात बच्चों, आज हम किरमिच की गेंद पाठ पढ़ेंगे। सबने नाम सुना है ना किरमिच की गेंद? किरमिच नहीं सुना? क्रिकेट कितने बच्चे देखते हैं? वेरी गुड। तो क्रिकेट में जो गेंद प्रयोग में लाई जाती है उसे हिंदी में किरमिच बोलते हैं। आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गई। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, तू पता है किसी कहते गर्म हवा। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता थी। पर दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को अपने पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। उसे वो चीज देखने की उत्सुकता थी जिसकी आवाज उसने सुनी थी। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे, वृक्ष अर्थात पेड़। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना प्रारंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबरी में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उतर गई तो वह देखा, उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। और गेंद उसके मनपसंद थी, तो उसे बहुत सुंदर उसे लगा और उसने उसे उठा लिया। लेकिन उस लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही खरीदा है। उलट पलट कर देखा, जो कभी भी किसी की चीज हमें लेनी नहीं चाहिए। परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर क्या करें। नजर उठाकर उसने आसपास की तिमंजली, तिमंजली कहते हैं तीन मंजिल जिसकी है, इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, इस गर्मी में कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने अपने सारे दोस्तों के नाम मन ही मन दोहराए, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम बता दिए। यदि गेंद खरीदी भी है तो उस दोपहरी में उसे नीचे कौन फेंकेगा, कौन खेल रहा होगा इतनी गर्मी में। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तुम सुनोगे नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम धूप में घूम रहे हो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। भीतर मतलब अंदर, ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु बच्चों जब हमें किसी की चीज मिलनी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, उसका पता लगाकर उसको उसकी चीज वापस कर देनी चाहिए। तो यही उसने सोचा। उसने सोचा कि ईमानदारी इसी में है, एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के पास बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। मतलब सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते थे। अगर तुम में से, उसने कहा कि अगर किसी की गेंद खो गई हो तो मुझे अपनी पहचान बताओ। अब सबका मन करा कि अरे, अनिल बोला मेरी गेंद खो गई है, कब खोई तेरी गेंद, यही कोई 4 महीने पहले, तो ये फिर तुम्हारी गेंद कैसे हुई, ये तो मुझे आज मिली है। वाह, ये कैसे हो सकता है, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है, बिना देखे बता तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक तो अपना मतलब सिद्ध करने वाला था, उसे अवसर मिलते ही, मौका मिलते ही वो मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है, कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी, दीपक ने बताया, जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दीपक अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये गेंद तो नई थी और इस पर मिट्टी का एक भी निशान नहीं था। तो उसने कहा कि ये तो गेंद सिर्फ मेरी है। अब सब लड़ने लगे। लड़ना कोई अच्छी बात है? लड़ना बहुत गंदी बात है, हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। उसने कहा, अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है ये गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हत्याने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अच्छा, वह जानता था यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, पर जब तक पक्का सबूत नहीं मिला
ठीक है। तो उसने बताया, किसने बताया? दीपक ने, कि यह मेरी गेंद है और इस गेंद पर लाल रंग का निशान है। तो अनिल ने दिनेश से कहा, वाह, सभी गेंदों पर किरमिच की लाल रंग का निशान होता है, तो तेरी कौन सी नई बात है। उसने फिर जोर लगाया दीपक ने, मैं अपने पापा से कहवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहवा सकता हूँ। अब दोनों डरने लगे। तो उसने कहा, मेरे साथ बाजार चल, दुकान पर जितनी भी गेंदे हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसे आती है, क्योंकि गेंद टप्पा देकर खेलते हैं ना। अनिल ने फिर उसकी बात काट डाली, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंकूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक वासा हो गया, वो रोने लगा। उसने इतनी मेहनत से उस गेंद को पाया था, लेकिन खरीद कर नहीं लाया था, उसने उसको मिल गई थी। या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था, गुट यानी ग्रुप, ग्रुप बना लेते हैं कई फ्रेंड्स मिलकर, तीन और चार मित्र अपने मिल जाते हैं तो जो ग्रुप्स बनाते हैं गुट बोलते हैं। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है, उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश जब तक चुप था, वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ और फिर गेंद खेलते हैं। उसके बाद क्या होगा, 5 मिनट के अंदर ही खेल प्रारंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और बच्चों के क्या हुआ, उछल कर वो दूर जा गई। कहाँ गई? सामने सड़क पर एक स्कूटर जा रहा था। स्कूटर के आगे एक जालीदार टोकरी थी और वो उस टोकरी में वो गेंद गिर गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, पर स्कूटर का सामना तो नहीं कर सकते थे ना, फिर जल्दी रुक गए और सब समझ गए स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ईमानदारी से इसका सबका साथ देना चाहिए। अच्छा बताओ, कि एक गतिविधि बताती हूँ मैं आपको, घर से करके लाना। गेंद के अनेक रंग होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे एक दीवे सूची है, उसको आपको बनाना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, क्रिकेट, क्रिकेट में कौन सी गेंद यूज होती है? किरमिच। वेरी गुड, इसी तरह आप आगे बनाकर लेकर आए, ठीक है ना? बहुत अच्छा, समझ आया।